ये हम कहाँ है? ये गाड़ी रोके रोके रोके। हमारे माशरे के मर्द औरतों के साथ डीलिंग कर रहे हैं। मड़िया स्टॉप पे खड़े हैं, जिस्म फरोशी का धंधा करने वाली खवातीन खड़ी हैं। ये 15 के ऊपर कॉल करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम 15। अभी हम पर हमला भी छोटा सा किया उन औरतों ने। नंबर ऑन रखिएगा, पुलिस आपकी मदद के लिए अभी आ रही है। इधर इधर आओ इधर। ये देखें, इन्होंने इस शहर को हीरा मंडी बनाया हुआ है। ये देखें, इधर आओ। हेलो, ओ इधर दौड़े ना हिजड़े। इधर से तो मैं आ रहा हूँ। ओहो, बड़ी देर कर दी, मेहरबान। मिशन तो बहुत हाई प्रोफाइल किया हमने। किधर है इधर? रोक, आओ इधर, इधर आओ, हमें साथ बिठाओ दे जो। चलो चलो मेरा भाई, इधर आओ। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें नाज़रीन, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखा आपने नाज़रीन? हमारा कैमरामैन पूरी तरह इनके पीछे है। ओह माय गॉड। नाज़रीन, ये 15 के ऊपर कॉल करने जा रहे हैं। मड़ियां स्टॉप पे खड़े हैं, यहाँ पे जिस्म फरोशी का धंधा करने वाली ख़वातीन खड़ी हैं, बहुत सारे हिजड़े खुसरे खड़े हैं, और ये बीमारियाँ और मुख्तलिफ़ किस्म की एड्स और बहुत वबाई बीमारियों का बायस भी बनते हैं, और वैसे भी माशरे के लिए एक बदनामी और हमारे कह लीजिए कि हमारी जलालत का बायस बनते हैं। इनके पीछे लाख मजबूरियाँ हों, कुछ भी हों, इंसान अगर खुद ना चाहे तो मेरे ख्याल में बुरा काम कैसे हो सकता है। तो देखते हैं 15 रिस्पॉन्स हमें करती है या नहीं करती, ये देखना भी बहुत अहम है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं यासर शमून बात कर रहा हूँ, एक जर्नलिस्ट हूँ लीडर टीवी HD से, और यहाँ पे मड़ियां स्टाफ के पास खड़ा हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारी जिस्म फरोशी का धंधा करने वाली औरतें हैं, और बहुत सारे हिजड़े हैं, और इस तरह के जो काम कर रहे हैं। बताइएगा कि ये जो आप बता रहे हैं मड़ियां स्टॉप, यहाँ पे करीब जो है ना पुलिस स्टेशन कौन सा है? ये जाहिर है इसे जोहो टोन लगेगा, मेरा ख्याल है जोहो टोन लगेगा, गार्डन टोन भी लगेगा इसे। और यहाँ पे कोई पुलिस अफसर नहीं है, हम इनके ऊपर एक हमारा सहाफ़ियों का स्टिंग ऑपरेशन होता है, हम इस तरह के काम करने वाले मंशियात बेचने वाले इनके पीछे जाते हैं और काम करते हैं। तो मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अभी हम पर हमला भी छोटा सा किया उन औरतों ने। तो अपना नंबर ऑन रखिएगा, पुलिस आपकी मदद के लिए अभी आ रही है। जी देख लेते हैं कितनी देर में आती है, इस वक्त मैंने रिकॉर्डिंग पे लगाया हुआ है सब कुछ। सर कोई इशू नहीं है, हमारे पास भी रिकॉर्डेड कॉल होती है। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत मेहरबानी, थैंक यू ऑपरेटर, आई एम वेटिंग, टेक केयर। मेरे ख्याल में अब चलें मेरे साथ और आगे जाके देखते हैं सूरत हाल क्या है। अल्लाह करे कि हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएं। इसे नेक मकसद इस लिहाज से कहा जा सकता है कि हम माशरे में से बुराई को ख़त्म तो नहीं कर सकते, या जड़ से उठा फेंक तो नहीं सकते, निकाल नहीं सकते, लेकिन कम से कम उसका सद्देबाब तलाश ज़रूर कर सकते हैं। तो जब इंसान निकल जाए दरीना रास्तों पर, तारीख रास्तों के सफ़र पर, तो फिर पीछे मुड़ कर नहीं देखा जाता। कम ऑन, फॉलो मी। इधर इधर आओ, इधर इधर आओ, इधर आओ, इधर इधर आओ, कहाँ जाओगे? हेलो, इधर आओ, इधर। ये देखें नाज़रीन, ये देखें, इन्होंने इस शहर को हीरा मंडी बनाया हुआ है। ये देखें, इधर आओ। हेलो नाज़रीन, इस शहर को हीरा मंडी बना दिया है इन हिजड़ों ने और इन उबाश औरतों ने। ओ इधर दौड़े ना हिजड़े, इधर दौड़े इन्होंने। इधर से तो मैं आ रहा हूँ यार, यहाँ पे भागे हैं भाई, चले आए, चले चले आए। नाज़रीन, ये उबाश दरिंदा सिफ्त लोग हमारे माशरे को तो खा ही गए हैं, तो बहु बर्बाद कर गए हैं, निकल गए हैं, बल्कि कैसी मजबूरी है। बंदा हर्डर आमी नहीं, बड़ी मेहनत करता है और सब कुछ कमा लेता है, पुलिस के डाले में हम बैठ गए हैं, और इंशाल्लाह ताला हम इन हिजड़ों को छोड़ेंगे नहीं, पकड़ लेंगे अल्लाह के हुक्म से। इस वक्त गाड़ी बड़ी स्पीड से जा रही है, अल्लाह ने चाहा तो हमने इनको पकड़ लेना है, तो फजल करम अल्लाह ताला के। इनसे ज़रा पूछें, इनसे ज़रा पूछें, खुसरे वेखे जे तू दौड़ दे हैं,
कुछ ने देखे जो दौड़ दे इधर को दौड़े हो नहीं इस पास से नहीं गए मुझे पता नहीं इधर कोई नहीं है ना दिन में कोशिश तो बहुत है कि आज इनको रंगे हाथों पकड़ा जाए छोड़ा ना जाए इधर मोड़ो इधर इधर पुलिस इस वक्त फुल फुर्ती के साथ भाग रही है और हम पुलिस के साथ भाग रहे हैं इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो इन खबीसों को आज हम पकड़ लेंगे आज इन खबीसों को पकड़ लेंगे अल्लाह के हुक्म से निकल गए हैं निकल के बड़ा भागे हम उनके पीछे ओहो बड़ी देर कर दी मेहरबान आते अल्लाह ने चाहा तो मैं मंशियात फरोशों का और सरेआम सड़कों के ऊपर धंधा करने वाली औरतों का अल्लाह खैर कर दे इस शहर में ये काम करना नामुमकिन बना दूंगा मिशन तो बहुत हाई प्रोफाइल किया हमने लेकिन क्या करें हाथ से निकल गई ये शीमेल अल्लाह खैर करे कोई नहीं कब तक आपने इनकी दौड़ तो देख ही ली ये मंशियात भी बेचते हैं ये सेक्सुअल मेडिसिंस भी बेचते हैं ये करने वाली गोलियां यही खबीस लोग माशरे के लिए एक अजाब बने हुए हैं इन्होंने पूरी दुनिया का जीना हराम किया हुआ है इन्होंने मजलूमों का हक खाया हुआ है हमने बड़ी पकड़ने की कोशिश की है इनको लेकिन वो इतनी स्पीड से भागे हैं आप जब देखेंगे वो सीन तो आप हैरान हो जाएंगे कि किस कदर खतरनाक मुजरम है और पूरे लाहौर में दंदनाते फिर रहे हैं इनको कोई पूछने वाला नहीं किधर है इधर रोग आओ इधर इधर आओ हमें साथ बिठाओ ले जाओ चलो आगे करो तुम्हें कसम लगे आओ चलो चलो मेरा भाई चल चलो ना दे मोटरसाइकिल पे हम बैठ गए हैं किसी की राहगीर की अल्लाह ने चाहा तो आज ये धंधा तो बंद ही करवा के जाएंगे हमारी गाड़ी कहाँ गई हमारी वो गाड़ी खड़ी है ये मेरी गाड़ी खड़ी है ये देखें नाज़रीन ये देखें ये देखा आपने नाज़रीन हमारा कैमरामैन पूरी तरह इनके पीछे है ओह माय गॉड ओह नाज़रीन आप देखें कि ये लोग क्या समझते हैं मैं इनको भागने दूंगा ये लोग क्या समझते हैं ये शहर में मंशियात बेच लेंगे मुझे पता है मेरे साथ क्या होना मुझे किसी ने फायर मारना है ये मुझे किसी बाबे ने ऐसे ही ओबाश बाबे नहीं होते जो सड़कों में घूमते उसने कहा मुझे कोई परवाह नहीं इस चीज़ की अल्लाह खैर करेगा तुम लोगों को जब तक जिंदा हूँ इस शहर में किसी किस्म की खराबी नहीं करने दूंगा और जब खराबी करोगे इसी तरह कुछ कर तो नहीं सकता मंजर आम पर ज़रूर लाऊंगा पूरी दुनिया को दिखाऊंगा कि हो क्या तुम लोग और कर क्या रहे हो ये दिलेरी है इस तरह आगे लग के भागना तब तुम्हें डर नहीं लगता जब कोई पागल को साइकी आदमी तुम लोगों को सेक्स करने के लिए या बुरा काम करने के लिए ले जाता है तुम लोगों के साथ क्या हो सकता है हमने तो ज़रा सी बात ही पूछनी थी तुमसे कि ऐसा क्यों करते हो क्यों इस शहर को जंगलूत कर रहे हो इतना ही मैंने जानना था बस निकल पड़ी यही बदमाशी है ओ ये ओ खुदा का खौफ खाओ छोड़ो इस शहर को और वीरानों में निकल जाओ ये काम इंसानों के करने वाला नहीं है मेहनत मजदूरी करो अल्लाह तुम्हारे रिस्क में बरकत डालेगा और शमून तुम्हारे साथ तुम्हारी मेहनत की देचकी को उठा के तुम्हारे सर पे रखेगा ये वादा है